हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम डेजी। सो फाइनली अब मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स सोशल साइंसेस की अगर हम लोग बात करें तो सीयूईटी का जो पोस्ट ग्रेजुएट का जो एग्ज़ाम होना था वो इस बार बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए अब कंप्लीट हो चुका है, और जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो उनके लिए दोबारा सीयूईटी की तरफ से जो है री एग्जामिनेशन कंडक्ट कराई जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीयूईटी एमए पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन या फिर एमए पीआईएसएन का, तो तीनों का मिला के एक कॉमन एग्ज़ाम होता था। तो जो अभी तक स्टूडेंट्स की तरफ से इंसाइट्स मिले हैं उसी के बारे में जो है आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और फिर सेपरेटली हम लोग ये भी बात करेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना हो सकता है। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो अगले साल के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर ऐसे स्टूडेंट जिनका अभी तक जो है इंट्रेंस एग्जाम नहीं हुआ है और आने वाले टाइम में होने वाला है। बाकी जितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका प्रिपरेशन अभी स्टार्ट हो गया है नेक्स्ट ईयर के लिए, तो एग्ज़ाम तैयारी की तरफ से जो कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है, और इसके लिए इंफॉर्मेशन के लिए आपको एक गूगल फॉर्म फिल करना है जो कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस बार का जो अगर हम लोग बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस का सीयूईटी जिसका जो कोड था HEQ QP 18, उसका एग्ज़ाम 8 जून को हुआ था। तो जो पहला इनसाइट लोगों की तरफ से मिला वो है रिगार्डिंग द डिफिकल्टी लेवल। अगर लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें, अभी तक क्वेश्चन पेपर रिलीज नहीं हुआ है लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट जो एग्ज़ाम दिए थे वो आके बता रहे थे कि हाँ कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए, तो उसको अगर हम लोग देखते हैं तो एक तो ये बोल सकते हैं कि डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। अब इस डिफ़िकल्टी लेवल का क्या इम्पैक्ट होगा ऑन द कट ऑफ, हम लोग उसके बारे में सेपरेटली बातें करेंगे। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है रिगार्डिंग क्वेश्चंस को लेकर, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का ये कहना था कि क्या इन पॉलिटी से, क्योंकि जब भी हम ऑब्जेक्टिव टाइप एंट्रेंस एग्जाम की बात करते हैं तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस विच आर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम डिफरेंट टॉपिक्स। तो जो लास्ट ईयर का जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस था फ्रॉम डिफरेंट टॉपिक और इस बार का जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस था फ्रॉम डिफरेंट टॉपिक, डेट वाज नॉट द सेम। सो एक चीज़ हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले टाइम में कि ये नहीं बोला जा सकता है कि इंडियन पॉलिटी इंपॉर्टेंट है या पॉलिटिकल थ्योरी से कम क्वेश्चंस आएंगे, वो चीज़ जो है प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है। दिस मीन्स हमें जो है सारे टॉपिक को कवर अप करना पड़ेगा, और ये हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ पार्ट बी का जो पॉलिटिकल साइंस के 75 क्वेश्चंस आते हैं वो। जो थर्ड इम्पॉर्टेंट इनसाइट था रिगार्डिंग द क्वेश्चंस विच वेर आस्क्ड फ्रॉम द सिलेबस एंड आउटसाइड द सिलेबस। सो एज यूजुअल ये नहीं बोला जा सकता है कि 100% क्वेश्चंस विद इन द सिलेबस थे, क्योंकि जिस तरीके से कुछ कुछ स्टूडेंट ने जो क्वेश्चन शेयर किया तो कुछ कुछ वेग क्वेश्चंस भी थे, आई मीन वेग क्वेश्चंस इन टर्म्स ऑफ दिस वाज टोटली अनएक्सपेक्टेड काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो जब भी हम सिलेबस की बात करते हैं तो एक चीज़ मान के चलना चाहिए कि अराउंड 80-85 या फिर मान लीजिए 85-90% ऑफ द क्वेश्चंस विल बी विद इन द सिलेबस, लेकिन हम लोग को मान के चलना चाहिए कि 75 में अगर 4-5 क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस भी आ सकते हैं। जो फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है अगेन इन टर्म्स ऑफ अगर हम लोग बात करते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस वर आस्क्ड, तो जो सबसे पहले मैंने बताया कि डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हो गया था तो उसका इम्पैक्ट जो है क्वेश्चंस पे भी पड़ा था, क्वेश्चंस पे इन द सेंस की डेप्थ। जो अगर आप लोगों ने अगर जो JNU के MA पॉलिटिकल साइंस के पहले के क्वेश्चन जो 3 साल उन्होंने कराया था, एग्जाम कंडक्ट कराया था JNU में, तो उसमें से अगर आप 20 और 21 के क्वेश्चन पेपर को देखिएगा तो उसका स्टैंडर्ड काफ़ी ज़्यादा हाई था। और ये चीज़ तो नहीं बोला जा सकता कि CUET 2023 का भी क्वेश्चन पेपर उसी स्टैंडर्ड का था, लेकिन हाँ अप्रोचिंग टू दैट स्टैंडर्ड। दिस मीन्स अगर आप प्रिपरेशन करें नेक्स्ट ईयर के लिए तो आपका जो JNU 2020 या 2021 का जो क्वेश्चन पेपर वो एक स्टैंडर्ड होना चाहिए कि आपको उस लेवल तक के क्वेश्चन आने चाहिए। तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने ये भी शेयर किया था कि जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे वो काफ़ी डीप क्वेश्चंस पूछे गए थे। अगर हम लास्ट ईयर की बात करते तो क्वेश्चंस तो इम्पॉर्टेंट थे, जो इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चंस पूछे गए थे वो थोड़े डीप थे, पॉलिटिकल थ्योरी से थोड़े से डीप क्वेश्चन एक दो पूछे गए थे, बाकी सारे टॉपिक से आपके क्वेश्चंस उतने डीप नहीं पूछे गए थे। लेकिन इस बार जो है डेप्थनेस ऑफ द क्वेश्चन, डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चन वो इंक्रीज कर गया,
और जो एक ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैच द फॉलोइंग, एसर्शन रीजन, मल्टीपल स्टेटमेंट टाइप, तो ये सारे वो क्वेश्चंस होते हैं जो आपके डिफिकल्टी लेवल को और आप बोल सकते हैं कि और इंक्रीज कर देता है। तो जब भी हम प्रिपरेशन करने के लिए बैठ रहे हैं तो इन सारी चीज़ों का हम लोग को ध्यान रखना है। और एग्जाम ट्रेजरी की तरफ से अगस्त में ही जो है न्यू बैच स्टार्ट कर दिया जाएगा, तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो सीरियस कैंडिडेट हैं जो अगले साल आप लोग प्रिपरेशन करने वाले हैं, तो प्लीज़ आप कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं या फिर जो है गूगल फॉर्म फिल कर दीजिए एंड विल बी शेयरिंग ऑल द डिटेल्स। इसके साथ ही अगर आप ओवरऑल जो देखिए इम्पॉर्टेंट ये है कि जब तक हम लोगों ने क्वेश्चन पेपर एक्चुअल क्वेश्चन पेपर नहीं देखा है तो कुछ भी प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। ये बोल देना कि यहाँ कट ऑफ लो जाएगा हाई जाएगा ये कहना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन जो क्वेश्चन पेपर जो हम लोगों को के साथ शेयर किया गया उसको एक बार एनालाइज करके फिर हम लोग लास्ट ईयर के कट ऑफ के साथ सेपरेटली डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग बात कर लेंगे कि आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, तो कौन से सेफ जोन में आप फॉल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बाकी इसके अलावा आपके पास और भी कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप लोग कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट।